गाइस वेलकम बैक टू सुपर नन। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो भाई यहाँ पे हमें हनुमान का फर्स्ट लुक मिल चुका है। हनुमान यानी हनुमान मूवी जो आने वाली थी, हनुमान पढ़े या फिर हनुमान। तो गाइस इस मूवी के लिए जितने एक्साइटेड थे जब इसकी रिवीलेंस हुई थी कि भाई ये मूवी बनने वाली है या फिर बोले कि बन रही है, भाई तो इसका फर्स्ट लुक भी आ गया है। यहाँ पे जितनी एक्साइटेड थी इस मूवी को लेकर जब उसका नाम रिलीज हुआ था, नेम रिलीज किया गया था कि इस मूवी के नेम क्या होने वाला है, अभी मूवी कब आएगी या फिर ये कहें कि एक छोटा टीजर रिलीज किया गया था, उसी का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ गया है। भाई इस फर्स्ट लुक में भाई बहुत कुछ हुआ है। चलिए जो कि तक बने रहेगा, मैं पूरी वीडियो मतलब पूरे फर्स्ट लुक का या फिर बोले पूरे टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ आपको। भाई अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के इन तक बने रहें। और इस भाई इसमें जो इतनी एक्साइटमेंट हुई थी जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके साथ साथ कई सारे मन में क्वेश्चन भी आ रहे थे सबके कि भाई ये मूवी कब बेस्ट, किस मतलब टाइम में बेस्ट होने वाली है, इसकी स्टोरी एंशियंट टाइम में बेस्ट होगी या फिर मॉडर्न एज में बेस्ट होगी। तो इन सभी सवालों के उत्तर जानने हैं, प्रश्नों के उत्तर जानने, क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, इस वीडियो के इन तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे फर्स्ट लुक का रिव्यू। चलिए स्टार्ट गाइस। गाइस जैसे नेम के रिवीलेंस में मूवी की स्टार्टिंग हुई थी, कैमरा स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा, तो वैसे यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे बाहुबली लेवल का भी एक अच्छा झरना देखने को मिला है, जो कि भाई एक बहुत ही अच्छा मतलब इसके ग्राफिक्स का वो एग्जांपल है कि ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले इस मूवी में। हमें कम से कम ग्राफिक्स से तो निराश नहीं होना पड़ेगा और ना ही स्टोरी से, क्योंकि भाई प्रशांत वर्मा की डायरेक्टेड फिल्म है। क्योंकि भाई साउथ में इस तरह की फिल्में जिस तरह की बनाई जा रही हैं खास करके प्रशांत वर्मा के द्वारा, तो भाई बहुत ज़्यादा एपिक हो रही हैं। तो गाइस जैसे कि जॉम्बी रेड्डी को आप एग्जांपल ले लें, अभी भी एग्जांपल ले लें, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, तीन ही मूवीज़ हैं शायद उनकी जो एकदम अलग हट के बनाई है, और ये शायद चौथी मूवी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो इसमें हमें हनुमान मूवी में सबसे पहले दिखाई जाता है कि एक झरना, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब सीन है वहाँ पर। और एक और चीज़ कि भाई यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे उसके लॉकेट में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ लॉकेट और उस नागमणि के बीच कुछ तो कनेक्शन है। तो गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहे अगर आप इसका जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ है क्या। तो उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एक हीरो रन करता हुआ, यानी कि उसका पैर एक दिखाया जाता है। और उसके बाद फिर हमें दिखता है एक और एपिक ग्राफिक सीन, यानी कि इसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स होने वाले हैं या फिर कहें कि VFX, यानी क्योंकि भाई इसमें हिरण का भी देखें और जंगल का देखें तो बहुत ही अच्छा अच्छे से फिल्माया गया है और बहुत ही अच्छा इसमें पूरा सेटअप किया गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हीरो की रनिंग सीन जो है, तो ये हीरो दिखाया जाता है उसमें, हमें ध्यान से देखेंगे तो उसके लोगो और लॉकेट का सेम हो और सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉकेट में जो निशान है वही सेम टू सेम लोगो में भी निशान है, इसका मतलब कि लॉकेट के बीच लॉकेट के ऊपर ही तो कहीं ये बेस्ट मूवी होने नहीं वाली, क्योंकि भाई लॉकेट का के ऊपर बेस्ट मूवी हो सकता है कि लॉकेट से उसे पावर मिल रही हो। और भाई यहाँ पे हमें हीरो के हाथ में गुलेल भी देखने को मिलती है, यानी कि जो गुलेल है उसे हम लोग अपनी भाषा में गुलेल बोलते हैं, उसमें हमें हनुमान का नहीं, हमें लगा था कि हुई मंकी का साइन देखने को मिलेगा, लेकिन भाई वहाँ पे हमें एक बनी का साइन देखने को मिलता है। ऐसे भी ये जो गुलेल है वो बनी को यानी कि रैब खरगोश को ही मारने के लिए ईजाद की गई थी यानी बनाई गई थी, इसलिए शायद इसलिए इसमें इसके ज़्यादा डीप मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे दिखाया गया है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो मतलब इस मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो भाई कमेंट करके बताना। और जो ये लास्ट में नागमणि सीप के अंदर दिखाई गई है, ये शायद किसी प्रकार की पावर या फिर किसी तरह की पावर हो जो कि इसको लेने से मिलती हो या फिर किसी विलन का साइन हो। तो चलिए भाई इसका एक आइडिया तो हमें मिल ही गया है कि कोई स्टोरी कैसे होने वाली है, इसलिए अब एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है और ये मूवी को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गाइस इन्हें अपना इनका सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और शेयर द वीडियो।